है कि जो आपके साथ आ रहे हैं और आपके परिवार के लोग हैं, बहन जी हैं, पिता जी हैं, ये मैं कहा है कि आपके साथ जाएं? देखिए, हमने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया है। समाजवादी सेकुलर मोर्चा नेताजी का आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के बाद ही बना है उनकी राय। तो अब आप तो जानते हो और सुन चुके हो कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का चुनाव समाजवादी सेकुलर मोर्चा है और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश समान विचारधारा के लोग और समान विचारधारा वाले दल उनसे बातचीत कर रहे हैं और बात करने के बाद फिर जैसा कि आपने माननीय नेताजी को मोर्चे के अध्यक्ष का अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव दिया, तो नेताजी की तरफ से कोई इशारा मिला आपको अभी तक? अब मिलेंगे, अब मिलेंगे यहाँ जाने के बाद। कल मायावती जी ने कहा है कि सब सम्मान के साथ अगर कोई दूसरा दल हमारे साथ गठबंधन करता है तो हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। आपका क्या कहना है कि महागठबंधन महागठबंधन थोड़ा सा बड़ा महागठबंधन पूरा महागठबंधन खत्म होने के बाद गठबंधन की दोबारा से कायदे जो जारी चालू हुई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने बहुत इंतजार के बाद और मैंने प्रयास भी किया था कि सब लोग एक रहें और अगर गठबंधन बढ़ रहा था तो मुझसे भी बात करना चाहिए था, तो हमसे तो बात करी नहीं किसी ने। तो जब किसी ने बात नहीं करी है तो हमने अपना समाजवादी बना दिया। आपके मोर्चे का असर कल मायावती के पीसी में देखने को मिला। मायावती ने कहा कि हमको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो हम गठबंधन बनाएंगे, तो अगर मायावती सपा से गठबंधन नहीं करती है तो क्या आप मायावती से गठबंधन करेंगे? देखिए, मैंने जो कहा कि समान विचारधारा के जितने भी दल हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे सबसे हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो हमारे साथ बात करेगा और उसके लिए हमारे सभी दरवाजे खुले हैं और आए। अच्छा, मैनपुरी से 2019 में चुनाव कौन लड़ने की तैयारी है इसमें? देखिए, मैंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा की तरफ से नेताजी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वो हमारे समाजवादी सेकुलर मोर्चा से चुनाव लड़े और अगर समाजवादी सेकुलर मोर्चा से नहीं लड़ते हैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमारे समाजवादी सेकुलर मोर्चा का नेताजी को। अच्छा, ब्लॉक मोर्चा आपका खत्म हो जाएगा, एक साथ ना आप होते हुए 2019 में दिखाई दे? ये जो जनता है देख रहे हो, जनता कहने वाले तो नहीं जनता कर रही है। सर, सेकुलर मोर्चा, मैंने तो किसी को कहा नहीं था और हमारे कार्यक्रम परसों का भी देख लिया होगा, कल का फैजाबाद देख लिया होगा। हम बस इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी हमारे साथ है कि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी बिना समाजवादी सेकुलर मोर्चा के नहीं बनेगी। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी सेकुलर मोर्चा समाजवादी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं, उन पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, उनके बारे में अरे तो गेट वाला लगा ना, भाई बड़े नेता हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। बड़े नेता हैं तो उनके बारे में पता नहीं और वो अपनी पार्टी के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम अगर समाजवादी पार्टी से आपके लिए कोई सहयोग का प्रस्ताव आता है, कोई बड़े पद मिलने का प्रस्ताव आता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, मैंने बहुत मौका दिया, लगभग 2 साल मैंने प्रयास भी किया है, हमारे लोगों ने भी प्रयास किया है, सब ने प्रयास किया है और प्रयास करने के बाद नहीं हो पाया तो हमने अपना कदम बढ़ा दिया है। अब ये कदम हमारा अब आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। अच्छा, एक चर्चा है आपकी चलनी है, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं 2019 के चुनाव में, तो क्या इनके खिलाफ भी समाजवादी सेकुलर मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा? जब मैंने कहा कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, 80 सीटों पर चुनाव समाजवादी सेकुलर मोर्चा 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अच्छा, एक तरफ आपकी चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होने जा रहे हैं, नेताजी एक तरफ आपकी चर्चा है, बीजेपी में आप शामिल होने की बात कह रहे थे, बीजेपी में शामिल होने की आपकी चर्चा है बहुत जोरों से,
देखिए मैंने बहुत प्रयास किया, वैसे तो मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ना तो हमारी बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमसे बात की, तो ये बातें कहाँ हो सकती हैं। कोई लोग नहीं उड़ाने वाले। मैंने प्रयास किया था एक हो लग जाओ, एक हो करके सब लोग लड़ो। तो इतना दो साल का जब मौका दिया था, तो दो साल का मौका देने के बाद फिर हमने अपना समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना लिया है। और आपने कल परसों भी देख लिया है किसान यूनियन वाला कार्यक्रम में, हम गए थे, कल भी गए थे,